अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एजेंट एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल की जानिब से आपका होस्ट जफर साजिद एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। जी दोस्तों, आज की हमारी भी जो वीडियो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एजेंट एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल की जानिब से आपका होस्ट जफर साजिद एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। जी दोस्तों, आज की वीडियो भी जो है वो हमारी अनबॉक्सिंग की है। आज हम एक नए प्रोडक्ट जो है वो अनबॉक्स करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसका रिव्यू भी जो है वो बनाएं और देखें कि इसकी परफॉर्मेंस जो है वो कैसी है। मैंने ये तो बता दिया कि अनबॉक्सिंग और रिव्यू वगैरह बनाना करेंगे, लेकिन ये नहीं बताया कि किस चीज़ की अनबॉक्सिंग करेंगे। तो आज हम अनबॉक्सिंग करने लगे हैं जी एक कॉल की, जिसे आप डक कॉल कह लें या जो है वो आप तीतर कॉल कह लें या बटेर कॉल कह लें, तो कुछ भी आप इसे कह सकते हैं। इसमें तमाम जो है वो परिंदों की आवाज़ें आप जो है वो भर के जो है वो आप इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो इसे मैं जल्दी से जो है वो खोल लेता हूँ और फिर जो है मज़ीद देखते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है, कैसा जो है ये परफॉर्म करती है। जी दोस्तों, माशाल्लाह हमने जो है वो बॉक्स हटा दिया है और अंदर से माशाल्लाह इसकी पैकिंग, सबसे पहले मैं जो भी अनबॉक्सिंग करता हूँ उसकी पैकिंग के बारे में बात करता हूँ। तो इसकी पैकिंग माशाल्लाह देखिए आप, ये जो कॉल आई है अपने हैंड कैरी के साथ जो है वो आई है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कैमो कलर में जो है वो इसका जो है वो बैग है और ऊपर से तो माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत लग रही है। दो इसकी पॉकेट्स हैं, एक ये छोटे वाली, एक ये बड़े वाली। तो जल्दी से जो है इसे ओपन करते हैं और देखते हैं इसके साथ जो है वो क्या क्या है। इसमें मज़ीद हम बात करेंगे कि इसकी कीमत जो है वो कितनी है और आप जो है वो कैसे जो है ये ख़रीद सकते हैं और कहां से ख़रीद सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये लास्ट तक आपको जो है वो पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आया है जी हमारे पास ये एक स्ट्रैप, मेरे ख्याल में ये लग जाता है ये साइडों पर, आप कंधे पर भी जो है वो ये पहन सकते हैं। एक स्ट्रैप इसके साथ आया और मज़ीद देखते हैं जी क्या है। ये कुछ पार्ट्स हैं, देखते हैं ये किस जगह पे लगते हैं मज़ीद और देखते हैं जी क्या है जी इसके साथ जी। माशाल्लाह ये क्या है जी, ये एक यूनिट है, ठीक है ये यूनिट है। मेरे ख्याल में ये लगेगी इस जगह पे ऐसे करके, ऐसे ठीक है, ये ऐसे करके लगेंगी। तो अभी हम नहीं लगा रहे, अभी इसको रखते हैं जी साइड पे और देखते हैं इसके साथ जो है वो क्या क्या आया है। जी दोस्तों, एक और यूनिट आया है इसके साथ, ये है जी, अच्छा ये मेन यूनिट है। इसके साथ जो है एक साइड पे जो है वो कुछ बटन लगे हैं, ठीक है, और एक छोटी सी जो है वो स्क्रीन भी जो है वो दी गई है डिस्प्ले के लिए। तो मज़ीद देखते हैं और साथ ये मेरे ख्याल में बैटरी के साथ लगाने, टर्मिनल के साथ लगाने के लिए ये वायर्स हैं। और मज़ीद देखते हैं जी क्या है इसके साथ, और ये है जी एक रिमोट लग रहा है, बिल्कुल एक जो है वो रिमोट है। और इसके ऊपर भी जो है ये वॉल्यूम कम ज़्यादा करने वाले बटन है और कुछ जो है वो चैनल्स के हैं। और मज़ीद लें जी, सेल भी जो है वो इसके साथ ही हैं, बैटरी इसके अंदर जो है डलेगी वो इसके साथ ही है। मज़ीद इसके ये जो है वो एंटीने वाली जगह बनी है वो भी होंगे। इसकी ये बाहर वाली जेब जो है वो चेक करते हैं और इसके अंदर क्या है जी, ये मेरे ख़्याल में उन्होंने जो परिंदों की आवाज़ें हैं इसके अंदर जो फीड हैं, ठीक है, वो उन्होंने बताए हुए हैं कि किस नंबर पे कौन सा जो है वो किस परिंदे की, किस जानवर की जो है ये आवाज़ है इसके अंदर। तो वो भी इंशाल्लाह चेक करेंगे, पहले बैटरी मैनेज करनी पड़ेगी क्योंकि बैटरी नहीं है। तो मज़ीद देखते हैं जी, एक और यूज़र मैनुअल है जी इसके साथ, छोड़ें ये हम नहीं पढ़ते। और मज़ीद क्या है जी, ये एक वायर है, ठीक है, इसे भी देखते हैं, ये भी कुछ नट वगैरह हैं, ये बिल्कुल नट हैं। और आखिर में है जी हमारे पास ये एंटीने, ये लगेंगी मेरे ख्याल में, एक इधर लगेगा, ये रिमोट कंट्रोल डक कॉल है, और दूसरा लगेगा जी इस यूनिट के ऊपर ऐसे करके,
ठीक है जी, ये लगेगा इधर। और मज़ीद देखते हैं जी क्या है इसके साथ। ये दो राड आए हैं, ये देखते हैं जी किधर लगते हैं। ये लगेंगे जी इधर इसके साथ ऐसे करके, ताकि जब आप मुर्गाबी के शिकार पे जाएं तो वहाँ पे वह नमी आपको पता है बहुत ज़्यादा होती है, पानी होता है, तो ये गीले होने का ख़तरा होता है। ये आप इसके अंदर ऐसे लगा के तो ये ज़मीन के अंदर जो है वो धंसा देंगे, तो आपकी जो यूनिट हैं वो ज़मीन से ऊपर रहेंगी और पानी से जो है वो बची रहेंगी। माशाल्लाह बहुत अच्छा सेटअप जो है वो उन्होंने इस काल का बनाया है। इसे जो है जल्दी से थोड़ा सा जो है वो सेट करते हैं, ठीक है। ये ऐसे करके लगेंगी और फिर यूनिट जो है वो इसके ऊपर ऐसे करके जो है वो सेट हो जाएगी ऐसे करके, ठीक है। ऐसे करके आप जो है वो ज़मीन के अंदर लगा देंगे और ये जो है वो काफ़ी दूर तक इसकी जो है आवाज़ जाएगी। अब बात कर लेते हैं जी इनकी रेंज कितनी है। इनकी भी रेंज होती है कितनी दूर तक जो है वो इनका साउंड जो है वो जा सकता है और कितने परिंदों की आवाज़ें इसके अंदर जो है वो पहले से ही फीड है। इसकी जो कंपनी कहती है वो कहती है जी 2 किलोमीटर तक जो है वो इसकी रेंज है, लेकिन मज़ीद अगर हम चेक करें तो इसकी आवाज़ जो है वो 2 किलोमीटर से काफ़ी ज़्यादा जो है वो दूर तक जो है वो जा सकती है। हम लोग इस्तेमाल करते हैं छोटी वो यूनिटें रखी होती हैं जो अक्सर ट्रैक्टर के ऊपर लगाई होती हैं, साथ हमने छोटी सी टेप रखी होती है, तो उस दौर से निकलें और मज़ीद जिद्दर की तरफ आएँ तो ये डक कॉल की तरफ आएँ। माशाल्लाह इनकी आवाज़ जो है वो बहुत क्लियर और बहुत दूर तक जाती है, दूर से जो है वो परिंदे सुन के जो है वो आपकी तरफ जो है वो आ सकें, आप उन्हें उनका जो है वो शिकार कर सकें। तो अब बात करते हैं जी कि कितने परिंदों की आवाज़ें जो हैं वो इसके अंदर जो है वो पहले से ही आती हैं, तो देख लेते हैं जी। इसके ऊपर जो है उन्होंने लिखा हुआ है मेरे ख़्याल में 210, ठीक है, 210 परिंदे और जानवर हैं जिनकी जो है वो आवाज़ें इसके अंदर पहले से ही जो है वो फीड हैं, पहले से ही इसके अंदर जो है वो मौजूद हैं, नंबर जो है वो इन्होंने साथ ही दिए हुए हैं। जल्दी से इसे थोड़ा सा सेटअप करते हैं और कोशिश करता हूँ मैं कि आपको जो है इनकी आवाज़ें और इसकी क्वालिटी जो है वो चेक करवा दूँ, लेकिन उससे पहले इसकी बिल्ट क्वालिटी की बात कर लें। माशाल्लाह तो बहुत ही जो है वो फाइन क्वालिटी की बिल्ट क्वालिटी जो है वो दी गई है। ये इनका एंटीना भी जो है वो दिया गया है, ये कुछ बटन वगैरह दिए हुए हैं, इन्हें भी चेक करते हैं। लेकिन ऊपर वाली साइड पे ये कुछ मेरे ख्याल में और भी दिया गया है, वो भी चेक करते हैं क्या चीज़ है। जी ठीक हो गया जी, ये हैं जी। अच्छा एक इन्होंने दिया हुआ है जी, ये जो वायर है ये इसके अंदर लगेगी। मैं जल्दी से जो है वो थोड़ा सा ओपन कर लूँ ऐसे करके, ये वायर ओपन होगी और ये लगेगी जी इधर ऐसे करके ऐसे करके। अब ये दोनों यूनिटें जो हैं वो कनेक्ट हो गई आपस में, तो जैसे ही ये चलेंगी ये दोनों इकट्ठी जो है वो आवाज़ देगी। काफ़ी वज़नी है क्योंकि इनकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, तो माशाल्लाह ये ऐसे करके लगेंगी और ये खुद ही रिमोट कंट्रोल जो है, ये रिमोट कंट्रोल से आप दूर बैठ के भी जो है इसे कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि ये वायरलेस हैं, रेडियो वेव्स के ज़रिए जो है ये ऑपरेट होती हैं। तो मज़ीद इंशाल्लाह अब मैं देखता हूँ, अगर मुझे बैटरी मिलती है तो इनकी साउंड जो है वो मैं आपको चेक करवाता हूँ इंशाल्लाह। तो साउंड चेक करने से पहले इसकी कीमत की बात कर लें, इनकी कीमत जो है वो आपको 15,500 रुपये में जो है ये मुकम्मल सेट आपको मिल जाएगा। नंबर लिखा आ रहा है, इस पर रब्ता करके आप हमसे ये जो कॉल है जो है वो ख़रीद सकते हैं। इंशाल्लाह आप ये कॉल इस्तेमाल करके डिसअपॉइंट जो है वो इंशाल्लाह नहीं होंगे, आपको काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आप देखने को मिलेगा। तो अभी चलते हैं बैटरी की तरफ, अगर मिलती है तो इंशाल्लाह आपको इसकी जो है वो वॉइस क्वालिटी चेक करवाते हैं। जी दोस्तों अभी सेटअप कर दिया, बैटरी तो नहीं मिली, सोलर पे भी ये चल जाती हैं, तो अभी ये सोलर पैनल पे चल रहा है पूरा यूनिट, ठीक है। अभी कनेक्ट कर दिए इसके टर्मिनल्स, ये चेक कर सकते हैं आप, ठीक है, ये नेगेटिव और ये दूसरा जो है वो पॉजिटिव। तो अभी इंशाल्लाह ये रिमोट है इसका और रिमोट भी जो है वो कनेक्ट कर दिया है। और मज़ीद एक चीज़ और आपको दिखा दूँ, ये चीज़ इसके ऊपर ये परिंदों के नाम और नंबर दिए गए हैं कि कौन से नंबर पे किस परिंदे की जो है वो कॉल चलेगी। तो अभी जो है वो 202 जो है वो चल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। और इसकी आवाज़ जो है वो अभी जो है वो सिर्फ 2 वॉल्यूम 2 है,
ठीक है, बिल्कुल लो आवाज़, क्योंकि घर वाले सारे सो रहे हैं, और अगर मैंने फुल आवाज़ में चलाया तो वो जाग जाएंगे और सोचेंगे कि ये परिंदे इतने सारे कहाँ से जो है वो आ गए। अभी स्टॉप है, मैं थोड़ा सा जो है वो इसे स्टार्ट करता हूँ। अभी ये 202 वॉल्यूम पे चल रहा है, ये चेक करें इसकी आवाज़, आपको चेक इसकी आवाज़ चेक करवाता हूँ आपको। जी दोस्तों, अभी आपने इसकी आवाज़ सुनी, बहुत ही जो है वो फ़ाइन आवाज़ है, कोई शोर वगैरह नहीं है इसकी आवाज़ में, बिल्कुल क्लियर आवाज़ जो है वो आती है। तो अभी जो है वो हम थोड़ा सा जो है वो डक कॉल चलाते हैं, देखते हैं कि डक कॉल कौन से नंबर पे है, और उसकी साउंड जो है वो आपको सुनाता हूँ मैं। जी दोस्तों, माशाल्लाह ये जो है वो हमारे पास आ गया, इसके ऊपर है, देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। जी 114 जो है ना, 102, 102 भी चलाते हैं और देखते हैं कि क्या है इसे रिमोट से कंट्रोल। 101, यार गलत हो गया, अभी दोबारा देख लिया, 102। ये अभी जो है वो डकल चलेगी, ये चेक करें इसका इसका वॉल्यूम अभी जो है वो सिर्फ 2 पे है, ये आवाज़ चेक करें। ये अभी जो है वो पिन टेल चल रही है, इसमें मार्ले पिन टेल मिक्स डक्स की आवाज़ें और काफ़ी ज़्यादा परिंदों की आवाज़ें। अभी मैं रैंडमली कोई भी जो है वो सिलेक्ट करता हूँ, फर्ज कर ले मैं 12 नंबर सिलेक्ट करता हूँ, तो कौन सी आवाज़ है देखते हैं। ये मेरे ख्याल में जो ईगल है उसकी आवाज़ थी, तो काफ़ी ज़्यादा काले हैं। अभी मैं फर्ज करें 24 नंबर चलाता हूँ, तो देखते हैं जी कि कौन सी आवाज़ है। ये अभी जो है वो बटेरे की आवाज़ जो है वो कोयल की आवाज़ जो है वो चल रही थी, तो थोड़ा सा वॉल्यूम ज़्यादा करके दिखाता हूँ मैं आपको। जी माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का साउंड है इनका, बहुत ही जो है वो लाउड आवाज़ है। अभी वॉल्यूम 3-4 पे था, तो कानों को जो है वो जो है वो ऐसे कह लें कि दर्द होना शुरू हो गया था, इतनी हाई आवाज़ है। इसका वॉल्यूम 31 तक मैक्सिमम जाता है, और ये तकरीबन मेरे ख्याल में 3 से 4 किलोमीटर तक जो है वो इनकी साउंड जो है वो जाती है। जी दोस्तों, आपने जो है वो आवाज़ सुनी, माशाल्लाह बहुत ही जो है वो क्लियर और लाउड आवाज़ है इसकी, और मैंने पहले भी बात की, तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर तक इसकी जो है वो रेंज लाजमन होगी। इंशाल्लाह फील्ड में इस्तेमाल करेंगे तो मज़ीद इंशाल्लाह रिव्यू दूंगा मैं इसका आपको। तो पहली मरतबा ये कॉल इस्तेमाल करते हुए, लेकिन क्या लेके मज़ा आ गया इस्तेमाल करके। तो उम्मीद है आपको जो है वो वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। फिर या पाँच के अंदर टूट जाती मिनट बाद।